दोस्तों, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पेरोल के डेमो को देखा था, जिसमें प्रिंट कैसे करेंगे अपने सैलरी स्लिप के, इसके बारे में जाने थे। और उसमें हम लोगों ने दो टेबल्स भी क्रिएट किए थे, तो उसी टेबल में हम लोग आज के इस वीडियो में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, साथ ही हम लोग फॉर्म की डिजाइनिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर पेरोल 1.0 को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हम लोग दो टेबल्स को क्रिएट किए हैं। इस दोनों टेबल में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक नया क्वेरी भी क्रिएट करेंगे। इसलिए हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन, इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टेबल्स को ऐड कर लेंगे, इसे क्लोज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्शन यानी रिलेशनशिप इसका मिल गया है। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड, और उसके बाद ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद यहाँ से हम लोग सभी फील्ड को ले लेंगे, यानी कि इसमें जितने भी फील्ड्स हैं इन सभी को हम लोग ले लेंगे। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, यूएन नंबर, डबल हो गया। एड्रेस, मोबाइल नंबर, वर्किंग डेज, हाफ डेज, टेकन लीव, बेसिक, एचआरए, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ओटी, टोटल अर्निंग एडवांस, पीएफ, टैक्स, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। इसके बाद आएंगे एम्प्लॉय बैंक टेबल में और यहां से हम लोग एम्प्लॉय का जो बैंक नेम है इसको सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच, उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, और उसके बाद यहां पर हम लोग पेमेंट डेट को भी ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, तो कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस क्वेरी का नाम दे देंगे इनवॉइस। उसके बाद ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेरीज में देखिए इनवॉइस नाम से क्वेरीज आ चुका है। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल डब्लू। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। इसमें दो लिस्ट फॉर्म हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट टैब में एंड, और यहाँ पर हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग के विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आएंगे और यहाँ से हम लोग अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आएंगे एग्जिस्टिंग फील्ड्स में एंड यहाँ से सभी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और लास्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ये तभी काम करेगा जब आप फॉर्म के रिकॉर्ड सोर्स में टेबल को सिलेक्ट करके पहले से रखेंगे, इसके बाद ही ये ट्रिक काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फॉर्म के अंदर, राइट क्लिक करेंगे इसके बाद इस पर और लेआउट में हम लोग टेबलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किए यहाँ पर फॉर्म हीडर का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर डिटेल सेक्शन में हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, सभी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इनको इस तरह से साइड में कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसका साइज हम लोग छोटा कर लेंगे ज़रा। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करने के बाद ही हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से हम लोग इनका जो फोर कलर है ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है शेप में आएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है वो सभी नहीं दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिजाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक लाइन लेंगे, लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में आते हैं, फॉर्मेट में टॉप यहाँ पर हम लोग 1 करते हैं और हाइट इसका हम लोग 0 कर लेंगे। हाइट 0 करने से ये होगा कि ये जो लाइन है हमारा पूरा सीधी जाएगी। इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पर हमारा दो दो लाइन आ चुके हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाने के बाद लाइन थिकनेस को यहाँ से बढ़ा कर लेंगे, एक लाइन को हम लोग ऊपर कर लेंगे इस तरह से। सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए और लाइन को यहाँ से डिसलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके साइज में जाएंगे और 2 फीट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर हमारा फिट हो चुका है,
छोटा कर लेंगे फॉर्म फुटर को, इसको भी ज़रा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर सिंगल फॉर्म है, इसको हम लोग कंटिन्यू फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पॉपअप को यहाँ से हम लोग यस कर लेंगे। फॉर्मेट में आते हैं वापस से और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड सिलेक्टर को नो कर लेंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन को नॉन कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा हीडर सेक्शन है, हीडर सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय लिस्ट और सेव कर लेते हैं। ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे हमारा लिस्ट फॉर्म जो है बन चुका है। क्लोज करते हैं इसको और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और लिस्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारे एम्प्लॉय बैंक टेबल के लिए। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग क्रिएट टाइप में और वापस से हम लोग यहाँ पर आएंगे फॉर्म डिजाइन में और यहाँ से हम लोग डेटा में एम्प्लॉय बैंक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फील्ड्स में आने के बाद यहाँ से सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हुए सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इस लिस्ट फॉर्म की भी डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सेम वैसा ही रहेगा। टेबलर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा लिस्ट फॉर्म बन चुका है सेकंड भी। क्लोज़ करते हैं इसको भी और इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने दो लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग कर ली हैं और यहाँ पर एक क्वेरी भी क्रिएट किए हैं, साथ ही हम लोगों ने दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट किए। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग स्लिप की भी डिजाइनिंग करेंगे और उसके बाद दोस्तों अपने इस पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।